चोरों के हौसले बुलंद, दुकानों के चटकाए ताले, पुलिस प्रशासन मौन। नगर परिषद बैराड़ के मुख्य मार्केट से रविवार सोमवार की दरमियानी रात चोरों ने दो किराना दुकानों को निशाना बनाकर गल्ले में रखे 30,000 नकदी एवं 40,000 का किराने का सामान चोरी कर ले गए। गौरतलब है कि एक दुकान तो थाने के सामने एवं दूसरी दुकान के आगे 5 CCTV कैमरे लगे हैं, परंतु खराब हालत। चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस गश्त की पोल खोल दी है। पुरानी अनाज मंडी रोड चौराहे पर बंसल किराना स्टोर के शटर का ताला चटका कर अज्ञात चोर 25,000 नकदी, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू एवं विमल राशरी के पाउच सहित अन्य सामान कीमत 15,000 रुपये का सामान एवं पुलिस थाने के सामने बैराड़ रोड पर माँ वैष्णो किराना के शटर के ताले चटका कर गले में रखे 5,000 के करीब नकदी एवं काजू किशमिश के पैकेट के साथ विमल राशरी के पैकेट एवं अन्य कीमत 25,000 का सामान भी ले गए। दुकानदारों का कहना है कि नगर में उक्त चोरी की वारदात नसेलचियों द्वारा की जा रही है। इससे पूर्व दो दिन पूर्व भी नगर के बरोद रोड एवं धौरिया रोड पर भी दो दुकानों से चोरी की वारदातें हुई हैं। पुलिस द्वारा केवल खानपूर्ति कर FIR भी दर्ज नहीं की गई, जिस कारण व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। पूर्व में नगर से करीब आधा दर्जन बाइक चोरी की घटना हो चुकी है, परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लाखों के CCTV कैमरे बने शोपीस। सूत्रों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा मुख्य रोड पर करीब 40 लाख रुपए के CCTV कैमरे लगवाए गए, केवल शोपीस बने हुए हैं। CCTV कैमरे लगवाए जाने के एक महीने बाद से ही बंद पड़े हैं, जिस कारण चोरों को कैमरों की भी दहशत नहीं है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बस तो ये चोरी की घटना है, कैसे पता चला आपको? नहीं, मैं सुबह घूमने जा रहा हूँ 5 बजे। हाँ। तो मैंने देखा था तो ये बल्ब ही जल रहे थे। हाँ। मैंने देखा तो मेरी चोरी हो गई है। तो कुल कितने रुपयों की चोरी हुई होगी? कम से कम मान लो कम से 25,000 रुपये तो वो 20-25,000 रुपये तुमसे क्यों झूठ बोलूँ? तो किसी के सके आपको? नहीं, सक किसी पर नहीं है, सब कौन पे हो अपने ऐसा कौन पे हो? कोई आपने पुलिस को सूचना दे दी इसकी? नहीं, अभी दी है वो खुद गए थाने पे, तो अभी आई नहीं है। इन बोले अभी 8 बजे आएंगे। बंजल किराना स्टोर बैराज मंडी रोड के सामने जो रात को हमारी चोरी हुई थी, तो सुबह घूमने गए थे भैया, तो देखा तो लाइट बंद थी, तो लाइट बंद देखी तो हमने सोचा लाइट बंद क्यों है, तो देखा तो सीए पहले टूटी पड़ी हुई थी और सरिया से मतलब सबलियन से अपनी शटर तोड़ के उनने अंदर से दुकान में से पैसे और माल गायब किया है। उसमें 25-30 हज़ार रुपये करीब नकद थे और बाकी का सामान जो गया है उसमें कोई अंदाज नहीं है, बड़ी दुकान है अपनी। उसके बाद हम सुबह मतलब यहाँ पर आवेदन लगाने के लिए आए, तो आवेदन में सुबह इन्हें कही थी पुलिस वालों ने कि सुबह 8 बजे तक आना, तो 8 बजे तक इन्हें आवेदन लिया। बाकी के बाद इन्हें फिर उन्हें हम 2-3 बार बड़ी 10 बार में यहाँ आया, तो फिर ये कह रहे हैं हम खानापूर्ति कर रहे हैं। उसके बाद मतलब जो है फिर उन्हें कुछ खानापूर्ति नहीं, कोई भी इधर गया उधर गया, भूल भटक के आ रहे और कुछ सुनवाई। तो आज दिनांक तक कितनी चोरियाँ हो चुकी हैं? आज दिनांक तक मतलब अभी तो आज तो दो एक तीन चोरियाँ तो आज हो चुकी हैं, दो दिन पहले हुई है। तो ये बैंक में जो चोरी हुई है क्या कुछ मामला है? अब ये तो अपन कह नहीं सकते, पर ये कि सब इसमें सट्टा जुआ जो सब चल रहा है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं, कोई चीज़ की सरेआम चल रहा है, खुला सरेआम चल रहा है, कोई चीज़ की भी नहीं है, सबकी पर्ची कट रही है, इसमें खिड़कियों में से बिछ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब जो इसमें बंद किया जाए, सट्टा टोल बंद किया जाए। हम व्यापारियों को बहुत परेशानी है, व्यापारी एक मिनट के लिए दुकान नहीं छोड़ सकता, बातों करने के लिए भी मुश्किल हो रहा है।